हेलो गाइस, तो क्या चल रहा है? इंशाल्लाह सब खैरियत होगा। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ मेरे, ध्यान से सुन लो, मेरे दोस्त के कबूतर। तो हम पहुँच आए एक ही सेकंड में, और आप ये देख सकते हैं, ये इसका लॉफ्ट है, बढ़िया सा पिंजरा बनाया हुआ है इसने। और हाँ, इसने कबूतर नीचे रखे हुए, छत के ऊपर नहीं है ये, क्योंकि इनके पास छत नहीं है, रहने के लिए नहीं, कबूतरों के लिए नहीं है। तो ये अभी कबूतर खोलेगा अपने और हमको दिखाएगा। ये आप देख सकते हैं कबूतर निकल रहे हैं, इसके पास अभी कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा थे। और हाँ, इसने ये सारे कबूतर है दो ही जोट में से बनाए हैं सारे कबूतर, इसमें सारे के सारे बच्चे ही है, बस दो ही जोड़ ली थी इसने, बाकी सब बच्चे ही हुए थे। अभी कम हो गए, इसने बेच दिए, मैं पहले आया था तब बहुत सारे थे, ये पूरा पिंजरा भरा हुआ था, लेकिन अभी कम हो गए। ये सारे इसके बच्चे ही है, मैंने खुद देखे भाई, इसके बच्चे हमेशा अलग अलग ही होते, एक जैसे होते ही नहीं है, नर मादा जैसे होते ही नहीं, सारे अलग होते हैं। तो चलो हम अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो इसका आप ये देख सकते, एक एक डब्बा रखा हुआ है एक जोड़ के लिए इसने, वो भी बढ़िया है, मैं भी एक डब्बा ही रखता हूँ, एक ही डब्बा रखना चाहिए हमें। ये सारे आप अभी इसने दिए हुए अंडे, पहले जब मैं आया था सारे सारे जोड़ों ने दिए हुए थे, और वो उसने बेच दिए सारे बच्चे। ये इसका अभी पुराना वाला नर हमें दिखाएगा, ये बच्चा बहुत ही बड़े बढ़िया हुआ है, आप देख सकते हैं ये बच्चा है, ये बच्चा ब्लैक एंड वाइट, ये जोड़े ना बीच में इसी का है। और ज़मीन पर इसने पूरी तरह रेत बिछाई हुई है, वो कभी भी कबूतर खाते रहते हैं, और नेक्स्ट का भी इंतज़ाम किया हुआ है इसने। ये नर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, ये है इन्हीं का बच्चा, लेकिन है इनसे भी खूंखार ये छोटू। हाँ भाई, दिखने में ऐसा है बहुत खूंखार, एक महीने में दो दो बच्चे करवा लेता है एक जोड़ से, हमसे नहीं होते। एक महीने बाद अगर मैं यहाँ भराऊँगा तो ये पूरा लॉफ्ट मुझे भरा हुआ मिलेगा। अभी ये हमें दिखा रहा है, देखना भाई कोथरी से कैसे कबूतर आते, ये देखो कोथरी देख के कैसे आता है, ये रोज खिलाता है कबूतरों को, इसलिए आ रहे हैं कबूतर। हाँ हाँ भाई, मान गए। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अभी हम, ये रोज उड़ाता है, आज पता नहीं मैं आया हूँ कि नहीं उड़ा रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर जिंदा रहे तो।